बैनर तले नवादा कलेक्ट्रेट के पास धरना दिया जा रहा है। नारा देखिए क्या है, गरीबों पर रहम करो रहम करो रहम करो, इनकलाब जिंदाबाद, अपना अधिकार लेके रहेंगे, हम अपना अधिकार मांगते हैं। अब देखिए एक और नारा है, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। क्या मुख मांगे और किस लिए धरना आ जाए? आज का धरना इसलिए है सर कि पुल पर लोग फुटपाथी लोग लगाते थे, आवाज से नहीं लगाते थे, 12-15 साल से लगाते थे, आज प्रशासन इन लोगों से नाजायज पैसा मांगा, नहीं दे पाया, गरीब है कहाँ से देगा। उन लोगों ने पुलिस या लाठी चलाना शुरू किया और इन लोगों को भगा दिया। गरीब आदमी कहाँ जाए? इससे पहले जो ADM साहब थे वो वादा किए थे कि आप यहाँ पर से हट जाइए, आप लोगों को जगह बना कर दिया जाएगा, लेकिन जगह नहीं दिया गया, वो ADM साहब भी चले गए। जब इन लोग बोलता है, पुलिस आता है कि हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, गरीब हैं हम लोग किसे, तो कहता है जाओ चोरी करो। कौन बोलता है चोरी करो? पुलिस बोलता है, यहाँ का प्रशासन बोलता है, प्रशासन बोलता है चोर, प्रशासन बोलता है चोरी करो डकैती करो, हमको इससे कोई मतलब नहीं। ठेला लगा नहीं देंगे, ठेला क्या, दीवार पे खड़े रहते हैं, कंधा में लेके घूम के गमछा बेचते हैं। हम पर डंडा चलाया गया, हम सीनियर सिटीजन हैं, हम 64 साल के उम्र के हैं, हमको भी बख्शा नहीं गया, हमको भी डंडा मारा, हम बाल बच्चा को कहाँ लेके जाएं? क्या DM साहब के यहाँ पर आके सुसाइड कर ले, क्या करें, कहाँ से लाएंगे? सही बात, ठेला वाला कहाँ लगाएगा लोग? सबसे पहले आपके चंगले मगही आवाज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो आप फुटपाथी मजदूर संघ के धरना स्थल पर आए और वक्तव्य लेने का काम किया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि फुटपाथ का भी एक कानून बना है 2014 में। कानून कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं बसाया जा सकता है कि जितना कि वो पुराना जगह पर आमदनी करता हो, मान लिया जाए कि पुनः जगह पर ये 500 रुपया कमाता हो, तो दूसरा जगह अगर सरकार हमको शिफ्ट कर रहा है तो वहाँ भी आमदनी हमको 500 रुपया होना चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पर ही जा सकते हैं। और आज तक कानून तो 2014 में बन गया, लेकिन अभी धरातल पर इसको उतारा नहीं गया है, अभी वो कागजी लिखा हुआ है और कागजी ही अभी चल रहा है। और जैसा कि प्रशासन हम लोगों से वादा करता है कि आप वहाँ पर ही चले जाएं और आपको हम बढ़िया से आपके लिए व्यवस्था करेंगे। कहाँ पर चले जाएं? कि पुल के नीचे दिया गया है, अब पुल के नीचे जो कोई कस्टमर जा सकता है नहीं जा सकता है, कि वहाँ पर ही डेवलप किया जाए, वहाँ पर ही सड़कें बनाए जाए, लाइट व्यवस्था किया जाए, ताकि कस्टमर भी वहाँ पर ही आने जाने का सुविधा हो, ताही हमारा पुनः दुकान चल सकता है, अन्यथा नहीं। इस ठेला वगैरह लगाने का पुलिस प्रशासन पैसा भी वसूला करता है? हाँ, पैसा भी मांगता है, जिसे हम लोग देने में असमर्थ हैं और हम लोग पैसा देने के लिए पक्ष में नहीं हैं। कितना पैसा मांगता है दिन भर का? 100 रुपया एक दिन का मांगता है। अब बोलता है नहीं दोगे तो मार के भगाएंगे यहाँ पर से। अधिकारी पुलिस बताइए, 500 रुपया मजदूर कमाएगा तो 100 रुपया प्रशासन, तो हमारा बच्चा क्या भूखा मरेगा, कहाँ से खाएगा बच्चा हमारा? बोलिए क्या नाम? मेरा नाम बलराम दास हुआ। बोलते हैं ऊपर से ऑर्डर है, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि पुलिस का तो अत्याचार बढ़ रहा है फुटपाथियों पर, इस पर अंकुश लगनी चाहिए और पूर्ण रूपेण से पुलिस प्रशासन यहाँ पर बेलगाम है। गरीबों दलितों फुटपाथियों की बात सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। क्या चाची, किस लिए आए आज? किस लिए, किसके लिए आए हैं? आए हैं कि हमारा सामान है, कि हम चूड़ी बेचते हैं, गरीब आदमी है, हम इन्हीं का चूड़ी टोटो पर लाद के लिए आता है प्रशासन, हम इन्हीं से कहता है कि पैसा दीजिए नहीं तो बिक देंगे, फेंक देंगे, टोटो पर लाद के लिए आता है, हम इन्हीं के मारे लग दौड़ता है, हम इन्हीं डरल भाग जाते हैं। फेंका भी एक दो बार? फेंका गया? हाँ, दो बार फेंक दिया है। क्या फेंक दिया? हाँ, चूड़ी, हम चूड़ी बेचते हैं फुटपाथ पर, चूड़ी बेचते हैं। हाँ, पुल पर चूड़ी बेचते हैं, घर परिवार। हाँ हाँ, हम इन्हीं के वही से तो वही पे रोजगार है भैया, तो क्या करेंगे, हम इन्हीं को ही से पेट चलता है,
बाल बच्चा पोसाता वही से चूड़िया से चलने दे रहा है। नहीं चलने दे रहा, कह रहा है कि पैसा दो, पैसा दो नहीं तो भूखे भूखे मरो, नहीं तो रोड पर जाके मर जाओ। पैसा दो रोज 100 रुपया मांगता है रोज, रोज 100 रुपया, 100 रुपया दो नहीं तो 50 रुपया दो, पैसा दो तो लगेगा नहीं तो नहीं लगे, सबके रगे देता है एकदम, एक गो के नहीं टिके देता है। देख लीजिए गरीब मजदूर लाचार बेबस असहाय पर किस तरह से जुल्म किया जा रहा है। नवादा में ठेला लगाने वाले हैं सब, 200 400 500 रुपए कमाने वाले हैं, इसको इस तरह से अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो ये लोग का परिवार क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे। अच्छा पांच मांगे मुख मांग पांच क्या है बोलिए, सब बोल कस के बोलिए। पहला मांग क्या है? पहला मांग हम लोग को है कि जितने भी सर्वे किए गए फुटपाती हैं नालंदा नवादा में वो सारे लोगों को वेंडिंग जोन बना कर दिया जाए। दूसरा मांग है कि हम लोगों को लाइट का व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात्रि समय में लाइट रहेगी ताही हमारा बिजनेस चलेगा, और ताही हम अपने लाइट जब रोजगार चलेगा तो हम अपने बाल बच्चा को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सकते हैं। तीसरा मांग, हम लोगों को जितना भी जिस जगह से जहाँ पर ही हम लोग को जगह दिया गया था और तब से प्रत्येक फुटपाती को लाख दो लाख रुपया घाटा हो गया है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो जगह पुराना जगह पर बेच रहे थे हमको, हम अपना रेवी रोजगार भी चला रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे और नया जगह पर दिया है, तब से हमको प्रत्येक फुटपाती का 2 लाख रुपया क्षति हुआ है और वो 2 लाख रुपया सरकार हमारे सभी फुटपातियों को दिया। यही मांग है कि इन लोग जो प्रशासन जो तंग फजत करता है वो तंग फजत पुनः वो वापस लिया जाए, और जो प्रशासन ने हमारे फुटपाती भाई पर जो दावन किया है उस फुटपाती पर कानूनी कार्रवाई हो। जब तक कहीं पर इंतजाम नहीं होता है पुल के नीचे, पुराना पुल से नया पुल तक के नदी के किनारे अगर 25 इंची का अगर घेराव करके 2 गो रोड निकाल करके इस पुल से उस पुल का निकास किया जाए तो शायद वहां पर एक अच्छा भिंडी जोन बन सकता है जिसमें 100-200 आदमी का परिवहन हो जाए। हाँ पुराना पुल में, और इस मुताबिक जो है नवादा का फुटपाथ जो है कि जीने का साधन बन सकता है। तमाम फुटपाथ मजदूर संघ नवादा कलेक्टर के पास अपने तमाम मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। इनका क्या क्या मांग है, क्या परेशानी आ रहा है, तमाम बातचीत आपको कराए। बातचीत कैसा लगा कमेंट करो बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे लाइक करेंगे। आप सब देख रहे हैं मघी आवाज, मैं सन्नू। नारा क्या आप लोग का, नारा क्या बोली नारा? वेंडिंग जोन बनाकर देना होगा, सभी फुटपाथियों को वेंडिंग जोन बनाकर देना होगा, क्षतिपूर्ति के रूप में 1-1 लाख रुपया देना होगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस का जुल्म बंद करो, पुलिस प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई करना होगा, पुलिस का जुल्म बंद करो। प्रशासन मुर्दाबाद।